नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ TTM शेयर की लेटेस्ट न्यूज और ट्राइडेंट शेयर की क्या टारगेट हमें अपकमिंग मंथ में, मतलब मई 2022 में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास ये दोनों स्टॉक्स हैं तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। और वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले ये पेनी स्टॉक्स हमने आपको बहुत सस्ते दामों में सजेस्ट किए थे, एग्जाम्पल के TTM लॉन्ग में 15-17-35 रुपए के भाव में, और आपका ट्राइडेंट ऑलमोस्ट 15 से लेके 19 रुपए के बीच में, और आज काफ़ी अच्छा पैसा ये दोनों स्टॉक्स हमें मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं। लकली मैंने भी बाय किया था, और मैंने करंटली मेरे पास दोनों स्टॉक्स नहीं है, मैंने सिर्फ एक स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया था, मतलब महीने, 3 महीने, 4 महीने के होल्ड करो और एग्जिट करो, लॉन्ग टर्म का मैं झंझट नहीं पालता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इनकेस बाय कर लिया, क्योंकि बहुत लोग शायद मार्केट में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते जितना मैं करता हूँ, तो सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, काम करने का तरीका होता है। तो अगर आपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो डेफिनेटली आपको कंपनी के फाइनेंशियल एक बार चेकआउट करने चाहिए। तो TTML शेयर ने अपने Q4 नतीजे आउट कर दिए, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से कंपनी का जो लॉस है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है, जस्ट एक प्राइस मूवमेंट, ऑपरेटर का गेम, कुछ न्यूज ड्रिवन सेंटीमेंट, स्टॉक का प्राइस पंप हो गया, राइट। तो हमें क्या स्टॉक में अभी बाय करना चाहिए, जैसे देखो अभी लास्ट स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, ठीक है। अब हो सकता है ये न्यूज क्यों लगा हुआ अपर सर्किट, क्योंकि कंपनी के आउट हुए नतीजे। तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको कंपनी के प्रॉफिट्स की तरफ कि Q4 में नंबर्स कैसे आए। तो देखो यहाँ पर मार्च 2022 में कंपनी की जो सेल्स हमें देखने को मिलती है 223 करोड़ है, ठीक है, 223 करोड़ की सेल्स है, एंड मार्च 21 में सेल 265 करोड़ की। तो मुझे क्लियर संकेत दिख रहे हैं कि कंपनी की सेल्स में 8-9 करोड़ का इजाफा हमें देखने को मिलता है। और देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, एक्सपेंस कट करने के बाद कंपनी को 121 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट ईयर 129 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी को सब कुछ देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 281 करोड़ का लॉस कंपनी को इस बार हमें देखने को मिलता है, जो लास्ट ईयर 288 करोड़ का था। तो आप के लिए देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उनका जो लॉस है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 288 करोड़ का लॉस था, आज 281 करोड़ का लॉस है। इट मीन्स एक पॉजिटिव खबर मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसको मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है। और साथ में कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है देखो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, पहले 318 करोड़ का लॉस था, फिर 314 करोड़ का लॉस हुआ, फिर कंपनी को 302 करोड़ का लॉस हुआ, और आज के डेट में कंपनी को 281 करोड़ का लॉस। इसका मतलब कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस, कंपनी एटली अपने लॉस को मैनेज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। फ्यूचर में ये डेफिनेटली प्रॉफिटेबल भी बन सकती है अगर ऐसे ही ये इंप्रूवमेंट दिखाती रहेगी। बाकी यहाँ देख सकते हो लगातार कंपनी के ईयरली में जो लॉस है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न की तरफ, तो क्या इसको देखने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में जो सेंटीमेंट है ना स्टॉक का, वो आपका बुलिश हो चुका है, मतलब बाय बन सकता है शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि 3 महीने के जो नंबर्स आए क्वार्टरली नंबर्स, उसमें कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। इट मीन्स जो सेंटीमेंट होगा ना स्टॉक की तरफ, अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली स्टॉक का नीचे जाएगा, अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव या साइडवेज होगा तो प्राइस भी वहीं घूम सकता है। साथ में हमें एक सपोर्ट मिल गया फाइनेंशियल का, ठीक है। अब 3 महीने के क्वार्टरली रिजल्ट को देखे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में मैंने बोला है, अब शॉर्ट टर्म हो सकता है कि एक हफ्ते में यूटर्न मार दे तो हफ्ते में मार दे, क्योंकि देखो इस स्टॉक की जो टेंडेंसी है ना, ये स्टॉक हमेशा अपर सर्किट में काम करता है। तो अपर सर्किट में काम करता है तो कितने दिन चाहिए उस स्टॉक को ऊपर चढ़ने के लिए, अगर 50% रिटर्न चाहिए मात्र 10-15 दिन मैक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो मेरे जो टेक्निकल्स काम करेंगे। देखो अब होता क्या ना, अब फाइनेंशियल हमें बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म बाय है, लेकिन जो हमारे ओवरऑल टेक्निकल्स है हमें उसको फॉलो करना है। अब तो हमारे जो टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, देखो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बहुत क्लियर बोला था कि स्टॉक नीचे गिरेगा, ये मैक्स आपका जाएगा ऊपर और नीचे गिर जाएगा, और देखो वही हुआ, स्टॉक नीचे गिर गया,
ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये सुख दोबारा ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा जब तक ये अपना लास्ट सुख नहीं तोड़ता 200 का। तो यहाँ पर जो भी ये रेंज, देखो ये जो 300 से लेके 150 के बीच जो भी रेंज बनाने वाला ना, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो यहाँ पर अब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, अगर इस बीच में अगर आप ट्रेड करना जानते हो तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, मतलब कैश कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता तो मत करना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी अभी भी वेट करिए, ठीक है, अभी भी वेट करिए, क्योंकि बहुत टाइम से, देखो बहुत टाइम से कहने का मतलब क्या है, मात्र अभी 6 महीने ही हुआ है स्टॉक के प्राइस को एक रेंज में ट्रेड करते करते, 1-2 साल होने दो, ठीक है, उसके बाद आप अपना डिसीजन दोबारा मेक करना स्टॉक में बाय करना नहीं करना, ठीक है। बाकी जिनके पास ये स्टॉक है, रिजल्ट अच्छे आए, डेफिनेटली आप अपनी जो पोजीशंस को कैरी कर सकती हो, ठीक है, जो सस्ते में बाय किया है। ये है टीटीएमएल का व्यू। अब बढ़ते हैं हमारे टाइटन शेयर के बारे में। तो टाइटन के अभी नंबर्स आउट नहीं हुए हैं, ठीक है, और देखो प्राइस अभी 50 पर ट्रेड कर रहा है। देखो ये जो प्राइस है ना, ये भी देखो सेम लास्ट 6 मंथ में एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है, ये इसने जो हाई है 68 का तोड़ नहीं पाया है, और तब से देखो स्टॉक एक रेंज बना रहा है। तो ये रेंज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर या तो ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपको माल आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर आपको माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आप SL लगाओ, मतलब अगर ये स्टॉक देखो 48 के नीचे जाता है, देखो ये जो SL है, देखो ये जो आपको दिख रहा है, इसको अगर आप मिलाओगे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता है, देखो ये रहा, और यहाँ इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, इसका मतलब स्टॉक का बेरिश हो चुका है, प्राइस एक्शन हमें यही कह रहा है। तो ये बेसिक्स जो इंडिकेटर्स है ना, ये हमें हेल्प करते हैं स्टॉक के सेंटीमेंट को जानने में, फाइनेंशियल हमें हेल्प करते हैं कि सेंटीमेंट, ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है। अगर स्टॉक में डिप आएगा तो वो बाउंस कर जाएगा, ठीक है, अगर हाँ यहाँ से कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकता है, नो डाउट, लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। जो बड़ा व्यू है मार्केट का, निफ्टी 50 का या हमारा ग्लोबल संकेत, वो भी क्या पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होंगे तो स्टॉक का प्राइस डेफिनेट ऊपर जाएगा, अगर नंबर अच्छे आते हैं, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको पता है स्टॉक का जो सेंटीमेंट है अभी नेगेटिव की तरफ है, नंबर अच्छे नहीं आए तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट भी है, साथ में नंबर से भी अपना काम कर दिया और उसको दबाने का, तो प्राइस आपका सीधा गैप डाउन खुलेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ SL लगाया करो और टेक्निकल का सपोर्ट लिया करो। तो अभी का जो सेंटीमेंट स्टॉक का वो बेरिश है, मतलब स्टॉक को अभी आपको सेल करके चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 3-6 महीने के व्यू के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे, ठीक है, जिन्होंने स्टॉक को सस्ते बाय किया दे कैन होल्ड। लेकिन ध्यान रखना, जिन लोगों को अभी बाय करने का मन कर रहा है वो स्टॉक को बाय नहीं कर सकते, अगर कर भी लिया है इन केस तो यू मस्ट अप्लाई स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस अप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लग जाएगी, बहुत बुरी तरीके से लग जाएगी प्राइस, इस प्राइस में 50 के प्राइस में मतलब लगने वाले, समझ रहे हो, बहुत ट्रैप हो जाओगे आप। मैं आपको पहले संकेत दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करती, तो आपको लग रहा है स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, आप कितना भागेगा यहाँ से, आप प्राइस का चार्ट देख लो उसका मंथली कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न में, आपको समझ आएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बाकी यहाँ देखो लगातार लोग यहाँ पर माल लेके जा रहे हैं, 26 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 72% डेवी स्टॉक में उठाई गई है, राइट। तो ये मेरा व्यू है ट्राइडेंट में और TTM शेयर में। तो इस वीडियो का समाप्त करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ 5 लाख है नहीं, ठीक है, TTM के नंबर जो इम्प्रूव हो रहे हैं, ट्राइडेंट के नंबर अभी आउट नहीं हुए, ट्राइडेंट का जो प्राइस है वो बेरिश की तरह है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, राइट। अब वेट करो कि कंपनी के Q4 रिजल्ट कब आते हैं, अगर अच्छे आते तो प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट है नेगेटिव है, और अगर रिजल्ट बेकार आते हैं तो स्टॉक आपका सीधा गैप डाउन खुलेगा। इसलिए SL के साथ काम करो, अगर आपने नई एंट्री करी है या फिर अगर आपने पुरानी एंट्री करी है आप उसको कैरी करना चाहते हो तो कैरी कर सकते हो, दोनों स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए एक बार बाय करने से पहले। चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।